गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, आप जो पपाया खा लेते हो तो उसके छिलके में जो पपाया थोड़ा बच जाता है उसका मैं यूज़ करके आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है तो मैं आपको उसके बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वहाँ आ जाएगा बेल आइकन, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट्स करते रहें। मुझे कमेंट्स पढ़ना काफ़ी अच्छे लगते हैं और आप अपने क्वेश्चन मुझसे पूछते रहें और ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताते रहें। शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते रहें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आइए मैं आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ। आपको नहीं मालूम होगा कि पपाया आपकी स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल है। यह आपकी स्किन को काफ़ी वाइट एंड ब्राइटन करने में काफ़ी हेल्प करता है। आपकी स्किन के डॉट्स को काफ़ी रिमूव करता है और डार्क सर्कल्स भी ये रिमूव करता है। तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ पेडिक्योर के रूप में। आप इसे लेग पर भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ भी डार्क एरिया है वहाँ भी। आप इसे अपने फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, हैंड्स पे भी। मैं आपको अपने लेग पे यूज़ करके बताने वाली हूँ। तो मैं अपने पैर पे आपको करके बता रही हूँ। मैंने अपने पैर पे इस तरह से आप ले लीजिए। आप चाहे तो इसे छोटा कट भी कर सकते हैं और इस तरह आपको यूज़ कर लेना है। आपको बहुत अच्छे से इसी तरह इस तरह हर जगह अप्लाई करना है, कुछ इस तरह से। आप चाहे तो पपाया को निकाल के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह आपको यूज़ करके बता कि ये जो वेस्ट हो जाते हैं इसे आप फेंक देते हो के, इससे अच्छा आप इसी का यूज़ कर लो और जो पपाया है उसे खा लो। इसमें भी तो लगा ही हुआ है ना, इसमें भी आपके पैसे लगे हुए हैं तो क्यों ना इसका एक यूज़ कर लें, फिर इसे फेंक दें। पपाया में काफ़ी गुडनेस होती है जो स्किन को लाइट एंड वाइटन करने में और ब्राइटन करने में काफ़ी हेल्प करता है। पपाया आपकी स्किन के डेड स्किन को रिमूव करता है और आपकी स्किन को वाइट एंड ब्राइटन बनाता है। ये आपके कोर्स को खोलता है, साथ ही साथ डर्ट्स को निकालता है, रिमूव करता है, उनसे फाइट करता है और आपकी स्किन को काफ़ी मॉइस्चराइज भी करता है। पपाया एक स्ट्रेट वाइटनिंग देने में भी काफ़ी अच्छा है। ये ऑल स्किन टाइप्स, आप मतलब आपका कोई भी स्किन है तभी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आपका ड्राई स्किन है या कॉम्बिनेशन ये स्किन है या कोई भी जैसे ड्राई ऑयली ये भी है तो आप यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा है, इसे आप अपने फेस पे भी यूज़ कर सकते हो। ये आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। इसे ऐसे रब करते रहना है 5 मिनट, उसके बाद आपको इसको सूखने को डाल देना है। सूखने के लिए रहने दीजिए, उसके बाद इसे वॉश कर लेना है। पपाया आपकी स्किन के लिए बहुत लाइट एंड वाइटन के लिए होता है। आपने बहुत वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें पपाया का यूज़ होता है। अब तो पपाया के फेस वाश भी अवेलेबल है मार्केट में, सनस्क्रीम भी हैं, फेस वाश, सनस्क्रीम, क्रीम्स, हर चीज़ आने लगी हैं। फ्रूट्स के ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि उनके ज़्यादा बेनिफिट्स हैं आपकी स्किन के लिए। फ्रूट खाने से भी बेनिफिट्स देते हैं और अपने स्किन पर लगाने से भी, तो आप जान ही सकते हो। तो ये आपकी स्किन को काफ़ी वाइटन करेगा और काफ़ी क्लीन भी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक का बटन दबा दें और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक यू गाइस।